हेलो दोस्तों, मैं हूं एजे। आप देख रहे हैं द ट्वेल्थ पासर और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। 1 से 6 क्वेश्चन शुरू के 6 क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में 6 से 12 6 क्वेश्चन हुए। और भैया, ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड है, तो इसीलिए सबसे पहले कहूँगा कि आप आई बटन से या डिस्क्रिप्शन से जा कर के इक्विवेलेंस रिलेशन की वीडियो देख लीजिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैज सेम नंबर ऑफ पेज इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब एक लाइब्रेरी की एक सेट है जिसमें एक लाइब्रेरी की सारी किताबें हैं, और रिलेशन क्या है कि एक्स और वाई के अंदर एक पेजों की संख्या समान है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। अगर ये तीनों चीज़ कोई रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हेयर जो रिलेशन दिया हो उसको एज इट इज लिख दीजिए, जैसे हमने इधर लिखा हुआ है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप के अंदर हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। तो इधर क्लियरली एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि पेज सेम है तो एक्स और एक्स में पेज सेम होंगे तो रिलेशन से बिलोंग करेगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। उसके बाद सेकेंड में जब सिमेट्रिक प्रूव करना हो उस वक्त, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, दोनों में समान पेज हैं। तो अगर एक्स और वाई में है तो वाई और एक्स में भी सेम पेज होंगे, इसका मतलब वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग टू आर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो ये सिमेट्रिक भी है, इट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो। और इसी तरह थर्ड स्टेप के अंदर हम इसको प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो देखिए इधर, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई में जो है पेज बराबर हैं, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और वाई और जेड के अंदर हैं। और स्टेटमेंट भैया इधर से पढ़ लीजिए एक बार, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको। और इसका मतलब अगर एक्स वाई में सेम है और वाई जेड में सेम है, इधर वाई कॉमन हो गया, इसका मतलब एक्स और जेड के अंदर भी सेम होंगे, यानी कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है भैया। तो आर बीइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ भैया कि सारे क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन बेस्ड हैं, तो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। सबसे पहले, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज आर। रिलेशन क्या दिया है, एक्स वाई सेज दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है, इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये हमें शो करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, रिलेशन को एज इट इज लिख दीजिए, या फिर अगर सेट गिवन है तो उसको भी एज इट इज लिख दीजिए। अब पहले स्टेप के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा। तो देखिए, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स माइनस एक्स, मतलब किसी भी सेम एलिमेंट में से उसी को अगर हम घटाएंगे, सेम इंटीजर में से उसी इंटीजर को घटाने पर हमें जीरो मिलता है, जीरो इज एन इंटीजर, और जीरो जो है वो एक इंटीजर है, तो इसका मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ भैया। इसी तरह सेकेंड स्टेप के अंदर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, कि एक्स और वाई दोनों इंटीजर हैं, और एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, तो इससे वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया भैया। इसी तरह से थर्ड स्टेप के अंदर ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, उसके लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर,
क्या हुआ, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर हैं। अब इन दोनों को भैया आपस में ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी एक इंटीजर ही होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर इंटीजर वैल्यू को इंटीजर में ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलता है, तो यहाँ से हमें एक इंटीजर मिलेगा और इनको ऐड करने पर एक्स जेड इज एन इंटीजर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब हमने कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है भैया। तो ये आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये है थर्ड क्वेश्चन, सीबीएसई के लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई 2014 के अंदर एक बार आया हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इसकी क्वेश्चन को रीड करते हैं। शो दैट द रिलेशन, एक रिलेशन को प्रूव करना है, आर इन द सेट ऑफ जेड, इंटीजर के अंदर सेट दिया, इंटीजर इंटीजर्स का एक सेट दिया है ऑफ इंटीजर गिवन बाय, रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट टू डिवाइड्स ए बी, ए माइनस बी, दो जो है वो भाग होता है ए माइनस बी से, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो भैया सबसे पहले चेक कीजिए, सबसे पहला काम हेयर लिख कर जो रिलेशन है उसको लिख दीजिए बिल्कुल एज इट इज, नो चेंज, बिल्कुल वैसा का वैसा है, उसको इधर लिख दीजिए, इधर चेक कर सकते हैं आप। पहले स्टेप के अंदर अब इसको हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो फॉर एनी, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस ए, जैसा मैंने पहले बताया था किसी इंटीजर में से अगर किसी उसी इंटीजर को माइनस करेंगे तो हमारे पास जीरो होगा, और जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू टू, और जीरो जो है वो दो से मल्टीप्लाई भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो है दो का डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ए ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड दस आर इज रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पर आर रिफ्लेक्सिव शो हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर इसको सिमेट्रिक शो करना है, तो इसके लिए देखिए भैया, दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी आर से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर ए और बी दोनों इंटीजर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी इससे बिलोंग करते हैं तो टू डिवाइड बाई ए बी, जो दो है वो ए बी से भाग होता है, तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू टू एम। ये कैसे आया भैया कि ए में से बी को अगर माइनस किया तो कोई ना कोई एलिमेंट तो आएगा, तो वो हमने मान लिया एम, और इधर क्या था कि टू था वो इधर डिवाइड में था, टू इसके साथ डिवाइड में था, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया टू एम, टू एम फोर सम एम जो है वो भी इंटीजर होगा, कि इंटीजर से इंटीजर को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटीजर ही आता है, तो ये जो होगा इंटीजर होगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये दर्शाता है कि b माइनस, इनके साइन इनको चेंज कर दिया, जब चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और b माइनस a मतलब नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि दो इधर भी डिवाइड होता है, दो b माइनस a से भी डिवाइड होता है, तो b माइनस a भी r से बिलोंग करेगा, जहाँ पर a और b दोनों इंटीजर हैं, तो ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया भैया। और इसी तरह से थर्ड स्टेप के अंदर देखिए भैया, लेट किया ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, वेहर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, कि ए बी सी तीनों इंटीजर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू डिवाइड बाई ए बी, जो दो है वो ए माइनस बी से डिवाइड होता है, और इधर इसका मतलब हुआ कि दो है वो बी माइनस सी से भी डिवाइड होता है। अब इधर वैसे ही करेंगे पहले की तरह, जब सिमेट्रिक के लिए किया था ये 2m के इक्वल, इसको 2n के इक्वल मान लीजिए, जहाँ पर n और m दोनों इंटीजर होंगे। अब वापस से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये तो हो जाएगा 2c, और इधर से जब 2m प्लस 2n को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर इसके साथ डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स बाई a माइनस सी, यानी कि a माइनस सी है वो r से बिलोंग करता है, तो और a b c तीनों इंटीजर हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है और ये सारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन भी भैया हमने कर दिया प्रूव। अब इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं
भैया फोर्थ क्वेश्चन भी सीबीएसई 2015 सी में आया हुआ है, तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। ए सेट दिया है 1 2 3 4। गिवन बाय रिलेशन क्या दिया है? ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। ए माइनस बी है वो 2 आर डिविजिबल है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर। इसकी इक्विवेलेंस क्लासें भी लिखनी है भैया। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसा मैं हर बार क्वेश्चन में बताता हूँ कि जो भी दिया है उसको लिख लीजिए। तो इधर ए और आर दिया था, सेट ए और रिलेशन आर दिया है उसको एज इट इज लिख दीजिए। पहले स्टेप के अंदर इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। उसमें फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, तो ए माइनस ए 0 होता है, 0 × 2 या मतलब ये 2 से डिवाइड होता है, यानी कि ए ए बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है भैया, एक बच्चा भी समझ जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर देखिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए और ए बी जो है वो आर से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि ए बी इज डिविजिबल बाई 2। ए बी जो है वो 2 का डिविजिबल है, वेयर ए बी बिलोंग्स ए, और ए और बी दोनों ए सेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर भैया क्या किया इन्होंने, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं भैया, क्योंकि मोड से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये इधर देखिए, माइनस एक्स बराबर मोड एक्स के बराबर होता है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी माइनस ए हो जाएगा, यानी कि बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2। जब ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब बी माइनस ए आर रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर ट्रांजिटिव के लिए इन्होंने क्या किया भैया, ए बी को ए बी बिलोंग्स टू आर लेट किया, बी सी बिलोंग्स टू आर ये भी लेट किया, यानी कि अगर ये दोनों आर से बिलोंग करते हैं तो ये दोनों डिविजिबल होंगे 2 के। और जब इनको, तो इनसे इन्होंने क्या लिख दिया, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2m, और इसी तरह बी माइनस सी लिख दिया 2n, जहाँ पर m और n दोनों इंटीजर थे। और उसके बाद जब मोड को उधर ले जाया गया तो प्लस माइनस का हुआ, और इस मोड को ये भी प्लस माइनस 2n हो गया। और जब आपस में हम इनको ऐड करेंगे, इसको और इसको, हमारे पास 2c आ जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे 2c मोड में, ठीक है, ये 2c हो जाएगा हमारे पास। और ये जो वैल्यू इनकी आई थी, इनको इधर पुट कर दीजिए भैया। पुट करने के बाद इधर 2 कॉमन आ जाएगा, मोड ऑफ प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। और ए सी इज, इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी इज डिविजिबल बाई 2, तो ए सी बिलोंग करता है आर से, दस आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब अगर ये ट्रांजिटिव है तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इधर हमने, सॉरी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसको तीनों प्रूव कर दिया भैया। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ये भैया लगातार हैट्रिक हो गई, क्योंकि हैट्रिक इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2010 के अंदर आया हुआ है भैया। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट जेड जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर ऑफ आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। ए और बी 5 से भाग हो रहे हैं। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये साबित करना है कि आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले गिवन आर को लिख दिया एज इट इज। सेकेंड स्टेप के अंदर वैसे ही पहले की तरह ए माइनस ए 0 दिखा दिया, और 0 × 5 क्या होता है, वो भी 0 ही होगा, तो ये 5 से डिविजिबल है, तो ए ए बिलोंग करेगा आर से। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड इंटीजर होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह से सेकेंड स्टेप के अंदर भैया सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी आर इंटीजर, मतलब बिलोंग्स टू जेड यानी कि इंटीजर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इज डिविजिबल बाई 5। इट इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू 5m, पहले वाली क्वेश्चन की तरह मैं बिल्कुल अच्छे से बता चुका हूँ क्यों था। और यहाँ पर m होगा वो एक इंटीजर होगा। और इधर देखिए भैया, अब इसमें क्या करेंगे कि फिर से पहले की तरह ये इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बी माइनस ए और ये हो गया माइनस एम, यानी कि बी माइनस ए भी है वो 5 का डिविजिबल है,
इधर लीजिए डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डिविजिबल है, तो बी ए बिलोंग्स आर आर वेयर ए बी बिलोंग्स जेड। इंटीजर के अंदर भैया माइनस, इंटीजर होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के अंदर इन इंटीजर वैल्यूज आती हैं, लेकिन सारी नहीं आती। इसमें जो 1, 0, 1, 2, 3 और -1, 2 इस टाइप की वैल्यू आती है भैया, डॉट और बाय वगैरह जैसी वैल्यूज नहीं आती इंटीजर के अंदर, अगर आपको याद नहीं हो तो, ठीक है। तो इधर देखिए, दस आर इज सिमेट्रिक, मतलब इसे आर जो है वो सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब जब इसको ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए, वैसे ही पहले की तरह लेट करेंगे ए बी को आर से बिलोंग और बी सी को भी आर से बिलोंग, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और बी सी दोनों 5 के डिविजिबल हैं, सॉरी ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों 5 के डिविजिबल हैं। और जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास 5m+5n वेयर m और n जो है वे 5 से बिलोंग, सॉरी भैया जेड से, यानी कि इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों इंटीजर हैं। और यानी कि फिर इसका मतलब हुआ कि ए सी बिलोंग्स आर वेयर ए बी सी आर इंटीजर, दस आर इज ट्रांजिटिव, तो आर ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब ये जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब भैया इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़े प्यार से। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले भैया मेरे को एक क्वेश्चन लगा इम्पोर्टेंट, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आवाज़ के लिए खेद चाहूँगा, जैसी है ऊपर वाले ने दी है। इसके लिए अगर कमेंट में कुछ बुरा लिखा तो भैया वीडियो देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आवाज़ चेंज नहीं कर सकता। हाँ, बोलने के लिहाज से मैं काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश की है, फिर भी जैसी है वैसी रहेगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन बाई एक्स वाई बिलोंग्स आर, एक्स वाई इज डिविजिबल बाई एन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भैया सबसे पहले वाला का स्थित का मतलब होता है भैया सच दैट, ठीक है। सबसे पहला काम रिलेशन को लिख दीजिए एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, वही पहले वाला स्टेप की x माइनस एक्स जो है वो जीरो होता है, और जीरो से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये जो है वो एक डिविजिबल है n का, तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भैया, कोई ज़्यादा चेंज नहीं, बिल्कुल आसान है। इसी तरह सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, एक्स वाई लेट किया, एक्स वाई जो है वो आर से बिलोंग करता है, जहाँ एक्स और वाई है इंटीजर, और इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई इज डी एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन, तो इसका मतलब हुआ वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन क्यू, इधर क्यू जो है वो एक इंटीजर होगा। इसमें फिर से इसकी माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये भी कि इससे क्या हो गया कि y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n, ये बात हमने प्रूव कर दी, क्योंकि इधर इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, और उसका आंसर माइनस क्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात इधर से शो हो गई, यानी कि y x बिलोंग्स r, तो ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया भैया। और इन लास्ट स्टेप इसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे, वही पहले वाला तरीका, एक्स वाई लेट कर लेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड जो है वे एन के डिविजिबल हैं, तो फिर से वैसा ही कर लेंगे, एक्स माइनस वाई को एन पी और वाई माइनस जेड को एन क्यू के इक्वल ऐड कर लेंगे। इधर से जब इसको और इसको इन सभी को ऐड करेंगे तो एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू एन कॉमन निकाल लेंगे और p प्लस क्यू हो जाएगा। अब इधर जब इसको ले जाएंगे तो ये डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होगा n का डिविजिबल होगा, इसका मतलब x माइनस n जो है वो r से बिलोंग करता है, तो ये जो है एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, और ये ट्रांजिटिव है इसका मतलब ये पूरा रिलेशन है इक्विवेलेंस। अब भैया ये है वीडियो का एंड। पहली बात भैया वीडियो भी बंद मत कीजिए, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। सबसे पहले कहूँगा लाइक, ठीक है, वीडियो बंद मत करना। एक बात अभी बतानी बाकी है, शेयर और कमेंट आप करना चाहे तो कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना भैया। अब इम्पोर्टेंट बात है मेरी आवाज़ के बारे में,
काफ़ी बंदे कमेंट करते हैं भैया तेरी आवाज़ ख़राब है, तो भैया इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ना तो यूट्यूब मेरे को पे करता है और आप मेरे व्यूवर्स हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मैं आपके लिए क्वेश्चन ही सॉल्व करता हूँ। तो आवाज़ के बारे में यार कमेंट करना आप छोड़ दीजिए प्लीज़। और इसी के साथ बाय बाय टाटा, सी यू सून, थिंक ग्रेट थॉट गुड एंड गुड लक भैया।